चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, यहां पर बात करेंगे आज आपसे सीटेट के पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज शिक्षण के मुद्दों पर, और शिक्षण के मुद्दों के अंतर्गत आज होगा मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस की श्रृंखला में हम आपको इसके पहले एक प्रैक्टिस दे चुके हैं जो कि आपके मूल्यांकन का पार्ट फर्स्ट है, और ये मूल्यांकन के पार्ट सेकंड की ये यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्नों की प्रैक्टिस है। हम यहाँ पर लेते हैं प्रश्न नंबर एक को, और प्रश्न नंबर एक कहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, अर्थात रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है योगात्मक मूल्यांकन को, योगात्मक मूल्यांकन को। बी कह रहा है निदानात्मक मूल्यांकन को। सी कह रहा है रूपात्मक मूल्यांकन को, और डी कह रहा है संकल्पनात्मक मूल्यांकन को। तो दोस्त, यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम बात करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन की, अर्थात रचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य है सृजनात्मक मूल्यांकन या विशेष क्षमताओं का मूल्यांकन, और विशेष क्षमताओं के मूल्यांकन को यहाँ पे रूपात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और यहां देखें कि जब कोई बच्चा अपनी असफलता का कारण ढूंढता है तो निम्नलिखित में से किसका सहारा लेता है। ए कह रहा रचनात्मक मूल्यांकन का, बी कह रहा भावात्मक मूल्यांकन का, सी कह रहा योगात्मक मूल्यांकन का, डी कह रहा निदानात्मक मूल्यांकन का। तो साहब, यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमने आपको बताया हुआ है कि समस्या के कारण को ढूंढना ही निदान कहलाता है, अर्थात उसके द्वारा किया गया मूल्यांकन कौन सा मूल्यांकन होगा, निदानात्मक मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट प्रश्न के क्रम पर आते हैं कि बच्चे की उपलब्धि को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। मतलब किसी भी कोई भी बच्चा जो शैक्षणिक अधिगम के दौरान जो कुछ भी वो उसने प्राप्त किया है, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है, उसकी जो उपलब्धि है उसको किस प्रकार यहाँ मापा जा सकता है। एक कह रहा है कि शैक्षिक ज्ञान के रूप में, दूसरा कह रहा व्यवहारिक कुशलता के रूप में, सी कह रहा उपरोक्त दोनों के रूप में, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो साहब ध्यान दीजिएगा कि बच्चे की उपलब्धि को मनोदैहिक आधार पर मापा जा सकता है, अर्थात मनोदैहिक का मतलब मानसिक और शारीरिक। तो हम शारीरिक की बात करेंगे तो शैक्षणिक ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, और उसकी विशेषताओं में हम व्यवहारिक कुशलता को भी। तो यहाँ ए और बी दोनों सही है, इसलिए है उपरोक्त दोनों। हम आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन किस प्रकार के शिक्षक के लिए उपयोगी है। कह रहा है यह अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोलती है। बी कह रहा है शिक्षक अपने विद्यार्थी को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त कर सकता है। सी कह रहा है शिक्षक अपने विद्यार्थी को तुरंत पृष्ठ पोषण दे सकता है, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो ए कह रहा है कि अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोजता है, मतलब बालकों की विशेषताओं, उनके अंदर वे विशेष प्रकार के कौन से गुण होने चाहिए, क्या है और क्या बेहतर हो सकता है इसकी बात। तो साहब ये हमारा उद्देश्य तो है ही, या ये शिक्षक के इस प्रकार तो उपयोगी होता ही है। बी कह रहा शिक्षक अपने विद्यार्थी को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त कर सकता है, यह भी आसानी से, क्योंकि आपको कक्षा समावेशी पढ़ानी है, आपको औसत दर्जे के विद्यार्थी, उससे उच्च, उससे निम्न इत्यादि का वर्गीकरण अपने पास तो रखना ही होगा, अर्थात हमें तो यह जानना होगा कितने तेज विद्यार्थी, कितने कमजोर हैं, कितने सामान्य तरीके के हैं। तो यह भी ऑप्शन यहां पर अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट सी कह रहा है कि शिक्षक अपने विद्यार्थी को तुरंत पृष्ठ पोषण दे सकता है, मतलब उसने कोई भी व्यवहार को सीखा, कोई भी उसने यहां पे उपलब्धि हासिल की, तो उसके उस व्यवहार, उस उपलब्धि का तुरंत उसको बताया जा सकता है, उचित है, अनुचित है, ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही दिशा में व्यवहार परिवर्तन कर रहे हो। तो यह भी यहां पे सही है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो गया आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है। पूछ रहा कि अधिगम एक कैसी प्रक्रिया, कह रहा सामान्य प्रक्रिया है। तो साहब सामान्य प्रक्रिया तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी कह रहा असामान्य, तो साहब यह भी नहीं है। अवनति मतलब
उतार चढ़ाव वाली ऐसी भी नहीं है। और डी कह रहा सतत, अर्थात यहाँ पे साफ सीबीएसई ने साफ शब्दों में कहा कि बालक के मूल्यांकन के अंतर्गत उसका सतत मूल्यांकन, मतलब समय समय पर उसके व्यवहार की जांच और उसकी व्याख्या, उसको उचित दिशा दिया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं कि मूल्यांकनकर्ता और छात्र के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने का जरिया क्या है। ए कह रहा अवलोकन है, बी कह रहा साक्षात्कार है, सी कह रहा परीक्षण है और डी कह रहा है प्रश्नावली है। तो देखिए कह रहा कि प्रत्यक्ष संपर्क की बात कर रहा है। अवलोकन की क्रिया का मतलब होता है देखना या ध्यान देना, व्यवहार पर ध्यान देना। तो साहब शिक्षक दे सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों प्रत्यक्षता हो। विद्यार्थी लिख रहा होता फिर भी शिक्षक अवलोकन करता है तो यहाँ पे ये नहीं होगा। सी कह रहा परीक्षण के माध्यम से, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। डी वही परीक्षण या प्रश्नावली करे, यह भी नहीं होगा। सही आंसर होगा बी साक्षात्कार। साहब साक्षात्कार आमने सामने बैठ करके एक बातचीत होता है जो कि मूल्यांकन की एक विधि है, जिसमें शिक्षक और छात्रों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता है और यह प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इसी बातचीत के माध्यम से शिक्षक बालकों के व्यवहार का अध्ययन करके उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर देता है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य कथन है। ए कह रहा है कि मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय निरंतर की प्रक्रिया है, तो साहब ये भी बात सत्य है कि ये लगातार चलता रहता है। बी कह रहा है कि ये सतत और व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यालय आधारित मूल्यांकन से होता है, तो साहब यहाँ पर यह भी बात सत्य है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को विशेष रूप से विद्यालयी वातावरण, विद्यालय के इस माहौल के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है। सी कह रहा विश्लेषण और मूल्यांकन के समय बालकों के वर्गीकरण से बचना चाहिए। साहब आपको अगर कक्षा समावेशी बनाना है तो वर्गीकरण और विश्लेषण का जो सीधा प्रभाव बालकों पर पड़ता है, इस चीज से आपको क्या करना चाहिए, साहब बचना चाहिए। इसलिए यहाँ सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। और कह रहा है कि ए कह रहा है कि श्रेणी मापन विधि प्रश्नावली की तरह होती है, तो साहब ये तो होती ही है। बी कह रहा है कि शिक्षार्थी द्वारा स्वयं निर्मित वस्तुओं से भी उनके कौशल और रुचि का पता चलता है, साहब ऐसा होता है कि सृजनात्मक, अगर बालकों की सृजनात्मक शक्ति का पता करना है तो उनको उनके वातावरण में स्वतंत्र छोड़िए और वो जो स्वतंत्र व्यवहार दिखाते हैं उसी से उनका यहाँ क्या हो जाता है, पता चलता है कि उनके अंदर क्या विशेष क्षमता है। इसलिए बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी कह रहा है कि शिक्षार्थी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की जानकारी अभिलेखों के द्वारा नहीं लिया जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि शिक्षार्थियों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की जानकारी अभिलेखों के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। तो साहब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अभिलेख का मतलब यहाँ पे हो गया पोर्टफोलियो शब्द, या यहाँ पे अगर हम अभिलेख शब्द को यहाँ पे हम बदल करके पोर्टफोलियो शब्द डाल दें और पोर्टफोलियो, अब ध्यान दीजिएगा कि पोर्टफोलियो के माध्यम से कह रहा नहीं लिया जा सकता है, तो साहब पोर्टफोलियो ही मूल्यांकन की सबसे बेहतर तकनीक होती है। इसलिए यहाँ पे जो असत्य कथन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यवहार के तीनों पक्षों को शामिल करती है, तो ये बात साफ सत्य है। बी कह रहा है कि यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ती है, ये भी कथन सत्य है। और डी कह रहा है कि यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो शिक्षक तथा विद्यार्थी की जरूरत को पूरा करता है, तो साहब यह भी सत्य कथन है। देखिए सी क्या कह रहा है, यह कार्य पूरा करने के बाद किया जाता है, नहीं
शिक्षण की क्रिया के दौरान भी मूल्यांकन होता है, मतलब शिक्षण के अधिगम के दौरान और अधिगम के उपरांत मतलब समाप्त दोनों समय होता है, इसलिए यहाँ पे गलत था सी और इसने पूछा तक विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? सी नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आज बातचीत किया प्रैक्टिस सेट संख्या 7 पर। यहाँ पे हम फिर क्रमिक रूप से सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट का के प्रैक्टिस के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।